क्षेत्रीय अध्यक्ष, पूर्व में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे, तेज तर्रार छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति के दम पर अपनी राजनीति और अपने सामाजिक गतिविधियों को के रूप में इस जनपद सोन भगत आपका स्वागत अभिनंदन करता है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी जनपद सोनभद्र के अपने बहुत उसके कुछ साल पहले वो भारतीय क्रांति दल सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके कुछ साल पहले वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके कुछ साल पहले वो भारतीय किसान कामगार पार्टी थी। अनेकों पार्टियों को बनाते बिगाड़ते ये लोग केवल अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, जिनके जीवन का कोई सिद्धांत नहीं, जिनका उद्देश्य कोई नहीं, आम लोगों के जीवन की सेवा का कोई संकल्प नहीं, केवल अपने हित के लिए कार्य करने वाले लोगों ने आज उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कैसे आम लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम लोकतंत्र में सरकारों की यही जिम्मेदारी होती है। जिनके लिए कोई कार्य करने वाला नहीं है उनके लिए सरकारें काम करें। और योगी जी की सरकार ने अभी 22 दिसंबर को ही माननीय मुख्यमंत्री जी आपके जनपद में आए थे, आप सभी ने उनकी बातों को सुना होगा, मुझे उन बातों को नहीं दोहराना है, लेकिन विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी ने आतंकवाद का पोषक बताया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आतंकवादियों की संरक्षक है। अपने कार्यकाल में उन्होंने सिमी को और अनेक आतंकवादी संगठनों को सराहा। पहले अपने अध्यादेश में सदन में जो प्रस्ताव लाए थे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद सभी मुस्लिम आतंकवादियों को छोड़ने का प्रस्ताव लाए थे, याद करिए, हमारे विधायकों ने विरोध किया, हाईकोर्ट ने उनको लताते हुए टिप्पणी किया था कि आज छोड़ दो और कल ले आकर के उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी कर दिया। यह समाजवादी पार्टी समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए खतरा है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी मानसिकता के हैं। कांग्रेस पार्टी भी और समाजवादी पार्टी के सांसद जो संभल के सांसद हैं, जिन्होंने तालिबान के पक्ष में बयान दिया और जो लगातार इस बात को बोलते हैं हिंदुओं के खिलाफ, हमारे संस्कृति के खिलाफ, तो ऐसे सारे लोग अखिलेश यादव के सहारे पर बोलते हैं, इसलिए उनके शब्दों से अखिलेश यादव अपनी बातों को कहलवाते हैं। समाज इस सच्चाई को जानता है और इसलिए आज उत्तर प्रदेश की महान जनता भाजपा और योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी। तो विधानसभा में क्या मुद्दा रहेगा आपका, हिंदुत्व मुद्दे को? आपने कहा कि कब्र से भी निकल के उनके अब्बा आ जाएंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। हिंदुओं को धमकाने का कुछ प्रयास किया है, वो वैसे ही नहीं, किसी को धमकाने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए मैंने कहा था कि वैसी इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करें। मुगलों के राज को वापस आने को बात कहने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा है कि अगर ओवैसी के अब्बा जान कब्र से भी निकल के आ जाएंगे तो भी भारतवर्ष में मुगलों का राज नहीं आने वाला है, यहाँ पर मोदी और योगी का ही राज रहेगा, हिंदू और हिंदुत्व की जय जयकार होती है। समाजवादी पार्टी